अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूजी का केक बनाएंगे और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सूजी का केक रेडी हुआ है, फूला फूला हुआ है। और इसके अंदर आपको बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के ये इस तरह से फूल जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा, तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपने अगर इस तरह से एक बार बनाए तो बार बार इसी तरीके का केक बनाने का मन करेगा। हम इसे चाय के साथ सर्व करते हैं। यहाँ पे हमने 4 अंडे लिए जिसे हम फोड़ लेंगे। अंडों को 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप शक्कर। अभी हमें मिक्स करते हुए शक्कर को अच्छी तरह से पिघला लेना है। इसे मिक्स करते रहेंगे 1 से 2 मिनट तक, तो शक्कर अच्छी तरह से पिघल जाएगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पे हमारी शक्कर मेल्ट हो चुकी है, तो अभी इसके अंदर हम सूजी डालेंगे। हमने 1 कप शक्कर ली थी, तो 2 कप सूजी डालेंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। हमने इलायची को कूट लिया है और मिक्स करेंगे। अभी इसे हमें अच्छी तरह से और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारी मम्मी हमेशा इसी तरह से केक बनाती है, तो हमने भी उन्हीं से सीखा है, तो बहुत ही मज़े का केक रेडी होता है, तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने एक पतीला लिया, आप जो भी पतीला लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें हम घी डालेंगे 3 टेबल स्पून और इसे गर्म होने देंगे। और ये देखिए हमारा केक का बैटर इस तरीके का होना चाहिए। ये आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको ये बैटर हल्का हल्का लगने लगेगा, तो इस तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए। तो अभी हमने घी को गर्म कर लिया, इसके अंदर हम हमारा केक का बैटर डालेंगे। अभी हमने गैस के ऊपर एक तवा गर्म होने रखा है और तवे के ऊपर हम ये पतीला रखेंगे और इसे हम ढक के लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी केक में, कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो आप समझ जाना कि हमारा केक रेडी हुआ है। और आप हाथों से भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा केक रेडी है, तो इसके साइड को हम इस तरह से छुरी से थोड़ा सा कट करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा केक निकल गया है। वो थोड़ा सा इसमें जो आपको जला हुआ दिख रहा होगा, लेकिन वो जला हुआ नहीं है, थोड़ा सा जो है उसे हम कट करेंगे। और इसी तरीके की जो बाहर की इसके क्रिस्पी कोटिंग होती है ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बहुत ही ईजी और टेस्टी सा हमारा केक रेडी हुआ है, तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और हमारे यहाँ इसे चाय के साथ सर्व किया जाता है, तो आप इसे जब चाहे तब बना सकते और आप अपने बच्चों को भी दे सकते, बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।